उर्दू पेपर 3 to 4 8 की अक्टूबर 2023 के अटैम्प्ट है, ये ट्रांसलेशंस कर रहे हैं हम। ये वो पैसेज है जो आपका कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम में आता है, इस तरह का 20 मार्क्स का है सवाल ये, और ये पेपर 1 का हिस्सा है। लेकिन इसको मैं नहीं कराऊंगा, ये एंड में आप देखेंगे और इसकी उर्दू भी देखेंगे। मैं इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन, जिसे हम कहते हैं सहल, जो है वो मैंने इसका एक पैसेज बनाया वो करवाता हूँ। जुमले बाय जुमले देखते हैं इसको। इफ़ यू मूव टू अ न्यू कंट्री, तो एक पूरे जुमले को भी अब तोड़ेंगे हम। अगर आप एक न्यू कंट्री मतलब नए मुल्क में मूव होते हैं, मतलब मुंतकिल होते हैं, यू माइट फेस अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, आपको शायद गैर मुतवक्के, अनएक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड होता है मुतवक्के, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है गैर मुतवक्के, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तवक्को नहीं कर सकते। यू माइट फेस अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, चैलेंजेस की उर्दू आप मुश्किलात लिख सकते हैं। तो अब इसको जोड़ के बनाएंगे, अगर आप एक नए मुल्क मुंतकिल होते हैं, कॉमा, जब इंग्लिश में कॉमा है उर्दू में भी लगा दीजिएगा। इसी तरह इंग्लिश में किसी के कॉल है ना कोटेशन मार्क्स में, तो वो आप अपनी उर्दू में भी वो कॉल को एज इट इज़ कोटेशन मार्क्स में ही बयान करेंगे, ठीक है। बहरहाल इसी तरह सवालिया निशान है तो उर्दू में भी सवालिया निशान बनेगा। सो अगर आप एक नए मुल्क मुंतकिल होते हैं, कॉमा, यू माइट फेस अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, आप शायद, माइट का मतलब होता है शायद, आपको शायद गैर मुतवक्के मुश्किलात का सामना करना पड़े। अगर आप किसी नए मुल्क में मुंतकिल होते हैं तो आपको गैर मुतवक्के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये चैलेंजेस लिखें या फिर उसको मुश्किलात लिखें, एक ही बात है। चैलेंजेस की उर्दू चैलेंजेस होगी एग्जैक्टली, अगर बनानी और मुश्किलात बन जाए बेहतर यही है, मुश्किलात लिख दें। यू माइट नीड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आपको शायद एक नई जबान सीखनी पड़ सकती है। एंड इट कैन टेक टाइम टू बिकम फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है पुर एतमाद, एतमाद के साथ होता है जो, और फ्लुएंट मतलब रवानी के साथ, तो आपको रवानी के साथ और पुर एतमादी के साथ मतलब उस चीज़ को सीखने में, नई जबान को सीखने में वक्त लग सकता है, इससे मुराद ये है। तो अब ये तोड़ तोड़ के जब आप बनाएंगे फिर इसको पूरा जोड़ सकते हैं। आपको एक नई जबान सीखनी पड़ सकती है, यू माइट नीड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, एंड इट कैन, और इट कैन टेक टाइम टू बिकम फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट, और रवानी और एतमाद हासिल करने पर हमें वक्त लग सकता है, वो जबान के ऊपर रवानी और एतमाद हासिल करने पर हमें वक्त लग सकता है। अब यहाँ पर इंग्लिश में एंड में लिखा है फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट, जब आप उसको रीफ्रेस करोगे जुमले को तो आपके जुमले में उर्दू में वो चीज़ पहले आनी चाहिए, तो पहले लगाइए, ज़्यादा बेहतर फ्लो उसका किस तरफ है वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए अगर आप अच्छे रीडर हैं तो। इन सम कंट्रीज, कुछ ममालिक में, मुल्क होता है कंट्री, और कंट्रीज़ का मतलब ममालिक, और ये स्पेलिंग्स तो आपको खैर आनी चाहिए, उर्दू में भी लिखी आ जाएगी। इन सम कंट्रीज, कुछ ममालिक में, पीपल ड्राइव ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, ऑपोजिट का मतलब मुखालिफ, साइड मतलब सिमत, तो कुछ ममालिक में लोग सड़क के मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाते हैं। ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना, अगर राइड होता तो बाइक चलाते हैं आप ये कहते हैं, ठीक है ना, ड्राइव है तो गाड़ी चलाना। सो कुछ ममालिक में लोग सड़क के मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, तो आपको केयरफुल का मतलब क्या होता है, बहुत एहतियात बरतना पड़ता है, ठीक है। सो आपको एहतियात करना पड़ता है जब आप सड़क पार कर रहे हों। कुछ ममालिक में लोग सड़क के मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाते हैं, लिहाजा आपको सड़क पार करते वक्त मोहतात रहना पड़ता है। केयरफुल मतलब मोहतात, केयरफुल रहना पड़ता है। ये स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही, तो ये मीम है और ते अलिफ और तो है, ठीक है। गोइंग टू अ न्यू स्कूल इन अ न्यू कंट्री कैन ऑल्सो मेक यू फील नर्वस एंड वरीड, गोइंग टू अ न्यू स्कूल मतलब नए स्कूल जाना, ये गोइंग का मतलब एक कहीं जाने की एक्टिविटी को मैं यहाँ पर गोइंग के तौर पे लिख रहा हूँ। देखो कहीं ING आ जाए ना तो अक्सर जगह उसकी उर्दू, बल्कि ज़्यादातर उसकी उर्दू रहा, रही, रहे ऐसे बनेगी। सॉरी मैं इतने कोने पे लिख रहा हूँ, बहरहाल लेकिन यहाँ पर आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर गोइंग टू अ न्यू स्कूल, स्कूल जाने के अमल की बात हो रही है, ठीक है। तो गोइंग टू अ न्यू स्कूल में आप ये नहीं कहना स्कूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा स्कूल जाते वक्त कह सकते हो आप इन अ न्यू कंट्री, या इसको एक नए मुल्क में स्कूल जाना कैन ऑल्सो मेक यू फील नर्वस, एक नए मुल्क में स्कूल जाना आपको नर्वस मतलब परेशान और वरीड मतलब फिक्रमंद कर सकता है। नए मुल्क में नए स्कूल, न्यू स्कूल
न्यू कंट्री, अच्छा दो दफा नया लगा हुआ, तो नए मुल्क में नए स्कूल में जाना आपको परेशान और फिक्रमंद कर सकता है, बना सकता है। ये ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि, या इसकी वजह यह है कि यू नीड टू एडजस्ट टू न्यू पीपल, आपको नए लोगों के साथ खुद को ढालना पड़ता है, आपको नए लोगों में खुद को ढालना पड़ता है। लेकिन सिर्फ नए लोग नहीं है, आपको खुद अपने आपको अपने आप को या आपको खुद को नए लोग कवानीन, क्योंकि रूल्स हैं, एक रूल होता तो कानून होता, रूल्स कवानीन, टीचर्स असातज़ा, रूटीन्स मतलब मामूलात के रोज़मर्रा के जो होते हैं, मामलात नहीं है, मामलात अलग चीज़ है, मामूलात अलग चीज़ है, मामूलात मतलब रूटीन और मामलात मतलब अफेयर्स, ठीक है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पर रूटीन का मतलब मामूलात है, जो आपके मामूल के मुताबिक रोज़मर्रा है, एंड सब्जेक्ट्स और नए मतलब नए असबाक भी आपको चुनने पड़ते हैं। तो क्या उर्दू बनती है? ये इसलिए कि आपको नए लोग, कवानीन, असातज़ा, मामूलात और असबाक के साथ ख़ुद को ढालना पड़ता है, के मुताबिक, ज़्यादा बेहतर है, के मुताबिक ख़ुद को ढालना पड़ता है। ये इस वजह से कि आपको नए लोगों, कवानीन, असातज़ा, मामूलात और मजामीन के मुताबिक, अच्छा असबाक की जगह यहाँ पर मजामीन लिखा है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट आप सबक की जमा लिख सकते हो, असबाक या मजामीन भी लिख सकते हो, खुद को डालना पड़ता है। इवन समथिंग सिंपल लाइक लर्निंग हाउ टू पुट ऑन अ टाई, एक टाई कैसे पुट ऑन की जाती है, इतनी सिंपल चीज़ भी सीखने के लिए इट कैन बी अ न्यू एक्सपीरियंस, एक नया तजुर्बा हो सकता है फॉर सम स्टूडेंट्स, कुछ तलबा के लिए। तो कुछ तलबा के लिए टाई बांधना जैसी सादा चीज़ भी एक नया तजुर्बा हो सकता है। अच्छा ये देखिए, ये के लिए जब भी लिखा हो ना, तो काफ बड़ी के अलग और लाम के साथ एक शोशा अटैच करके और बड़ी ये करके नीचे दो नुक्ते लगा दिया करें, ठीक है। आप इसकी स्पेलिंग गलती से ये मत कर दीजिएगा, मतलब अक्सर के काफ बड़ी के हो जाता है और ये के लय हो जाएगा, ये के लय है, लिए नहीं है, हमजा नहीं लगेगा, काफ बड़ी के लाम ये बड़ी है, ये दो ये है, एक छोटी ये के दो नुक्ते और साथ बड़ी है। तो कुछ तलबा के लिए टाई बांधना जैसी सादा चीज़, या आसान चीज़ भी लिख सकते हो सादा की जगह, जैसी सादा चीज़ भी एक नया तजुर्बा हो सकती है, कैन बी अ न्यू एक्सपीरियंस। अच्छा ये देख लीजिएगा ज़रा आप, अब जैसे यहाँ पर लिखा है ना सम स्टूडेंट्स, तो मतलब कुछ तलबा, मैनी स्टूडेंट्स होता तो मतलब बहुत से तलबा, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड स्कूल इन इंग्लैंड, जब मैंने इंग्लैंड में स्कूल स्टार्ट किया, अब आप इसको इंग्लैंड लिखें या बर्तानिया लिख दें, बेहतर ये एक मुल्क का नाम है जो वो एज इट इज़ उतारे, इंग्लैंड। लेकिन अगर आप ब्रिटेन लिखा होता या ब्रिटिश लिखा होता या यूनाइटेड किंगडम लिखा होता, तो आप उसको यूनाइटेड किंगडम लिखते या बर्तानिया लिखते, एक ही बात थी। इंग्लैंड आप इंग्लैंड लिखें, अगर बर्तानिया लिख भी देते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर एक बड़ा खत्ता हो जाता है बर्तानिया, और ये स्पेसिफिकली इंग्लैंड की बात हो रही है। तो मैंने किसी न किसी लेक्चर के अंदर अगर ये बोला हो कि इंग्लैंड की जगह बर्तानिया भी लिख दे, तो वो उस बात को इग्नोर कीजिएगा, आपने इंग्लैंड की जगह इंग्लैंड ही लिखना है, क्योंकि मुल्क का नाम है। व्हेन आई स्टार्टेड स्कूल इन इंग्लैंड आई फेस्ड अ बिग कल्चरल डिफरेंस, जब मैंने इंग्लैंड में स्कूल शुरू किया, आई फेस्ड अ बिग कल्चरल डिफरेंस। कल्चर मतलब होता है सकाफत, कल्चर मतलब सकाफत, सकाफत की स्पेलिंग स से होती है और कॉफ आता है बीच में, सकाफत। कल्चर का मतलब सकाफत होता है, आप ट्रेडिशंस का मतलब सकाफत मत लिख दीजिएगा, ट्रेडिशंस का मतलब होता है रिवायत, ठीक है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कहीं पर लिखा हो तो मतलब रिवायत, और कल्चर का मतलब होता है सकाफत, मिलते जुलते अल्फाज नहीं है, लेकिन कल्चर के लिए आप सकाफत का लफ्ज इस्तेमाल कीजिएगा। तो जब मैंने इंग्लैंड में स्कूल शुरू किया, कॉमा क्योंकि यहाँ भी कॉमा है, तो मैंने एक बड़ा सकाफती फ़र्क महसूस किया, तो बहुत बड़ा एक चेंज महसूस किया। वो क्या, वो डिफरेंस, फ़र्क मतलब डिफरेंस होता है। इन माई होम कंट्री, होम कंट्री को आप कह सकते हैं मौरूसी मुल्क या आबाई मुल्क, आबाई मुल्क, कंट्री मतलब मुल्क, ठीक है ना, आबाई मतलब जहाँ आपके आबा अजदाद रहे हों, मौरूसी भी होता है, मौरूसी के बीच में भी से लगता है, मौरूसी, ठीक है। और अगर इसका मतलब मौरूसी और आबाई नहीं आ रहा, तो आप खानदानी लिख दें, ठीक है। तो इन माय होम कंट्री, मेरे आबाई मुल्क में, वी वुड नेवर लुक आवर टीचर्स डायरेक्टली इन द आई। तो सकाफती फ़र्क बता रहे हैं हम यहाँ के, मेरे आबाई मुल्क में हमारा कल्चर क्या था कि वी वुड नेवर लुक आवर टीचर्स डायरेक्टली इन द आई। ये वुड जब भी आ जाए ना, तो इसका मतलब करते, ऐसा हम कभी नहीं करते, ठीक है ना। वुड आ गया तो मतलब कोई चीज़ होती,
होता करते, जैसे कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इलाज करता, तो इफ़ आई वर डॉक्टर आई वुड ट्रीट पेशेंट्स, मैं पेशेंट्स का इलाज करता, तो ये वुड का मतलब करता होता इस तरह आता है, ठीक है, और नेवर का मतलब तो कभी नहीं। सो हमारे आबाई मुल्क में वी वुड नेवर, हम कभी नहीं लुक आर टीचर्स, हम अपने अपने असातज़ा की, टीचर्स है ना, हम अपने असातज़ा की आँखों में कभी नहीं देखते डायरेक्टली इन दी आई, क्योंकि डायरेक्टली इन दी आई लिखा हुआ ना, सो हम अपने असातज़ा की आँखों में बिल्कुल नहीं देखते, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड रूड, क्योंकि ये तल्ख समझा जाता, ते लाम खे तल्ख, ये बदतमीजी समझा जाता, तल्ख कह दें या बदतमीजी कह दें। हमारे आबाई मुल्क में, मेरे आबाई, माय होम कंट्री लिखा है, मेरे आबाई मुल्क में हम कभी भी अपने असातज़ा की आंखों में आंखें नहीं डालते थे, क्योंकि इसे बदतमीजी समझा जाता था। आप ये लिख सकते थे, मेरे आबाई मुल्क में हम कभी भी अपने असातज़ा की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते थे, या आंखों में आंखें नहीं डालते थे, ठीक है, वो आपको जैसा फ्लो अच्छा लग रहा। बट हेयर, लेकिन यहाँ द फर्स्ट थिंग टीचर सेज इज, जो पहली ही चीज़ असातज़ा कहते हैं, लेकिन यहाँ पहली ही चीज़ असातज़ा ये कहते हैं, लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी का मतलब मेरी तरफ देखो, अगर होता ना लुक मी तो मतलब मुझे देखो, लुक मी होता मतलब मुझे देखो, लेकिन यह लुक एट मी है तो मतलब मेरी तरफ, यहाँ पर एट का मतलब क्या है, तरफ, तो है रेफे, तो यहाँ पहली बार टीचर क्या कहते हैं, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रहा होता हूँ, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ असातज़ा की पहली बात ही ये होती है, अच्छा पहली बात ये होती है कि आप देख रहे हो बात कोटेशन मार्क्स है, क्योंकि जो असातज़ा के अल्फाज है वो इंग्लिश में भी एग्जैक्टली नरेट किए गए कोटेशन मार्क्स में, तो आप भी उर्दू में कोट्स लगा के नरेट करोगे इसको, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर THAT दैट नहीं लिखा, तो आप भी उर्दू में काफ है के नहीं लगाओगे, ठीक होता ना, हमारे असातज़ा की पहली बात ये होती है के, तो उसकी इंग्लिश में दैट भी लिखा होता है, वो दैट नहीं लिखा हुआ इंग्लिश के अंदर, उसको डायरेक्ट स्पीच के तौर पर बनाया हुआ है, जिसमें एज इट इज़ किसी के कई अल्फाज बताए जाते हैं, तो उर्दू में भी काफ है के लिखे बगैर आप ये बनाएंगे कोटेशन मार्क्स के ज़रिए। अभी आपका वो पैसेज ख़त्म हुआ जो सिंपल वाला था, ये आपका CIE जो कैम्ब्रिज वाला पैसेज है, और कौन सी अटैम्प्ट का, यहाँ पर अटैम्प्ट लिखी हुए 2023 के अक्टूबर नवंबर के पेपर वन में आया है, ठीक है, और ये आपका पैसेज है, आप इसकी उर्दू बनाइएगा, वैसे ही टुकड़े टुकड़े करके, मतलब पहले पूरा जुमला पढ़िएगा, फिर उस जुमले के मजीद टुकड़े कीजिएगा, और हर टुकड़े की उर्दू पहले उसके ऊपर लिख के फिर उसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें पहले बाद में कुछ भी, कोई भी पीस पहले या बाद में जो आपको बेहतर लगे फिट करें, यहाँ पर उसकी पूरी उर्दू लिखी है। अगर आप किसी के, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहने के लिए सफ़र करते हैं, तो आपको गैर मुतवक्की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, वाज़े तौर पर मतलब यहाँ पर इंग्लिश में अगर देखूँ मैं, तो यहाँ पर लिखा है क्लियरली का मतलब वाज़े तौर पर, तो बहरहाल ये मैं स्टार्ट दे देता हूँ, लेकिन ये आपने करना खुद है, और उसके बाद इसकी उर्दू को देखना है।